ये जो कहते कि हम मुसलमान हम हिंदू तो ये धर्म के ठेकेदार, ये अच्छे इंसान पहले बन जाओ, ईश्वर खुद ब खुद तुम्हारे को है ना अपना लेगा। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं धारावी के कमला नगर में और यहां पर आप मेरे पीछे गणपति का ये जो पंडाल देख रहे हैं, यहां पर गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है। इस आगमन में खास बात ये है कि यहां पर एक भाईचारगी का मैसेज दिया गया है, क्योंकि यहां पर नेशनल सेक्रेटरी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड के नदीम खान जो है उपस्थित थे और इन्हें जो है खास तौर पर इनविटेशन दे करके यहाँ के मंडल द्वारा बुलाया गया है। हम मंडल के अध्यक्ष से जानने की कोशिश करेंगे, ये मंडल आपकी कौन सी है और कब से आप जो है गणपति बप्पा का आगमन कर रहे हो? इधर ये कमला नगर सार्वजनिक उत्सव मंडल है, ये मंडल 29 साल से बिठा रहा हूँ मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ। इसके पहले मेरा एक भाई तिरुपति करके वो हैंडल करता था, वो अभी गाँव सेटल हो गए तो उसके बाद से ये मंडल को मैं हैंडल कर रहा हूँ। और मैं नदीम भाई को इनविटेशन किया इस साल और मुझे बहुत खुशी हुआ कि हमारे बड़े भाई नदीम भाई मुंबरा से इतने बिजी हो गए, इतने बड़े आदमी हो गए, हमारे लिए अपना टाइम निकाल कर हमारे तक यहाँ तक पहुँचे, यह हम बहुत अपने आप को सौभाग्य समझते हैं हमारे नदीम भाई के लिए। नदीम भाई, आप जैसे कमला नगर पर आए हो और इतना लंबा सिर्फ और सिर्फ बप्पा को देखने, क्या कहेंगे? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धनवील भाई ने मुझे धारावी में इनवाइट किया। सबसे पहले ये मेरा होम ग्राउंड है, मेरी पैदाइश यहीं की है, ये मैं बोलूँगा। और रहा सवाल बप्पा के यहाँ पे मैं आया हूँ तो धारावी ये एक ऐसा शहर रहा है हिंदू मुसलमान यहाँ पे एकता हमेशा बनते हुए आई है। अगर ईद आया है तो मेरे धनवील भाई मेरे साथ नमाज पढ़े और अगर गणपति आया है तो हमने गणपति में साथ में कंधा मिला, कंधे से कंधा मिला करके धनवील भाई के साथ खड़े। और मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो भेदभाव करते ये 2% के लोग, तो उन लोगों के लिए खास मैं आपके मुंबई टीवी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, तो ये देख लो मुंबई धारावी मेन पॉइंट है। अगर आप लोगों को एकता देखनी है ना तो मुंबई में आना। जो ये जो कहते कि हम मुसलमान हम हिंदू तो ये धर्म के ठेकेदार, ये अच्छे इंसान पहले बन जाओ, ईश्वर खुद ब खुद तुम्हारे को है ना अपना लेगा। हमारी माँ बहनें हमारे साथ है तो मैं ये कहूँगा धारावी एक ऐसा स्लम एरिया था, धीरे धीरे डेवलप होते हुए जा रहा है। तो धनवील भाई जो यहाँ के हैं बहुत अच्छे समाज सेवक है, हमारे अशरफ भाई बहुत अच्छे समाज सेवक है। हिंदू मुसलमान हो अगर तकलीफ होती है तो सबसे पहले हम हिंदुस्तानी है, फिर महाराष्ट्र के, फिर मुंबई के। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बेझिझक धनवील भाई अशरफ भाई के पास धारावी में आओ, आपका समाधान होगा जो भी। और मैं नदीम भाई के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, ये इतने बड़े आदमी हो गए, इनका होम ग्राउंड है लेकिन ये किसी को बड़ा छोटा नहीं समझते। मैंने इनको आज इन्वाइट किया है, ये बोले मैं सब इनका बहुत मीटिंग था सब कैंसिल करके इन्होंने आज मेरे लिए आए, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका। नदीम भाई जिंदाबाद।